कि जब मुसलमानों पे ईमान वालों पे कोई तकलीफ आती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। क्यों? यकीन इसलिए बढ़ जाता है, ईमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कमजोर हालत के अंदर आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं। एंड वेन एवर यू एग्जॉस्ट योर सेल्फ, जब जब आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर बैठते हैं और आपके पास रिसोर्स नहीं बचता, वहां पे आपको अल्लाह ताला की मदद नजर आती है। तो ये मुश्किल टाइम इसलिए दिए थे ताकि अल्लाह ताला पर ईमान बढ़ता, यकीन बढ़ता। लेकिन हमने दुनिया से मोहब्बत करके, उस रिसोर्स से मोहब्बत करके जिसको इन्वेस्ट करना था उससे मोहब्बत करके हमने यकीन की दौलत खो दी। हमें आखिरत पे यकीन थोड़ी ना है, हम तो सब दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई बोले कि ये दीन पर अमल कर लो तो कोई मसले की बात नहीं, अगर दुनिया वाले उतनी इज्जत ना दें, आखिरत में तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करेंगे, अल्लाह ताला अपनी महफिल में इज्जत करेगा और जिक्र करेगा तुम्हारा, तुम्हें याद रखेगा, तो किसको यकीन आता है? यकीन की कमजोरी है। तो हम फैशन के अंदाज में बोल देते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट दैट प्रैक्टिसिंग, मैं इतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा मुसलमान नहीं हूं, मैं इतना अमल नहीं करता, कोशिश करता हूं लेकिन मैं इतना अमल नहीं करता, यानी मैं इतना दीनी नहीं हूं, मैं इस माइंडसेट का नहीं हूं। तो ये सब यकीन की कमी है, ईमान की कमजोरी है।